वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हमारी क्लासेस ख़त्म हुई है और अब हमने ब्लॉग स्टार्ट किया और मम्मी अपने सफाई में रोज की तरह। क्यों मम्मा, आप मानते क्यों नहीं हो? बेटा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। आपके तो क्लासेस चलती रहती है और मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। कल क्या डांट पड़ी थी मेरे को ऊपर चढ़ा के क्या बोला? ऊपर चढ़ना मेरे को भी नहीं चढ़ने देती है और आप भी नहीं चढ़े और मेरे को टेबल भी नहीं ला के देती ना कुर्सी ला के दे रही है। मिल गया मौका, ना कुर्सी लाएगी ना टेबल, नहीं करना काम। अरे दिवाली आ रही, धीरे धीरे तो करूँ, नवरात्रि लग जाएगी, फिर मेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा। आ गए आप, फिर मेरा हेलो फ्रेंड्स। हाँ एकदम सही जगह पे बोला, थोड़ा और आगे बोलते रहो मेरे कान के। तो ऐश्वर्या को लगता है रोज तो सफाई क्यों शुरू कर देते हैं कि मुझे भी पकड़ लिया जाता है। हालांकि आज तो उसे नहीं पकड़ा गया है, सुबह से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन सही बात कह रहे हो मम्मी, आपकी काम तो थोड़ा थोड़ा शुरू अपने को करना ही पड़ेगा। आगे फिर मौसम भी ठंडा होता जा रहा है, इसलिए काम शुरू करेंगे ठंडक आने से पहले। फिर नवरात्रि शुरू हो जाएगी 17 अक्टूबर से। सेवनटीन से है, काफ़ी लेट हो गई है नवरात्रि। तो नवरात्रि में सफाई वाला काम हो नहीं पाएगा, पूजा वगैरह करेंगे। और तुमको पता है इस बार अपनी कॉलोनी में डांडिया भी नहीं होगा। कॉलोनी में क्या, कहीं पर भी नहीं होगा। नहीं तो हर साल अपनी कॉलोनी में कितना शानदार डांडिया होता है। वही तो, कोई बात नहीं, अपने पास वो डांडिया वाले वीडियोस है ना, अपन ही कर लेंगे डांडिया। लो लो मम्मी कह रही डांडिया स्प्रेड बोलते हैं इसको, कहते हैं स्प्रेड। हाँ वैसे भी हम माता जी के भजन तो गाते ही है, बस कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। आपको मौका मिल गया, मिल गया मौका, मारा चौका। आज किसकी क्लास थी? सॉरी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है बाप। आज मॉर्निंग में क्या खाया था? क्या खाया था? एक असिस्टेंट रखो, वो बताएगा क्या खाया था। सही बात। आप बोलोगे किसकी क्लास थी, फिर मम्मी वहां से क्वेश्चन करेगी। इसको सब याद रहता है पर कई चीजें याद इसलिए नहीं दिलाना चाहती कि इसी को करना पड़ेगा, इसलिए नहीं करती है ना मम्मी। ये दोनों मिलके आज आप दोनों के लिए सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल डिप्लोमेसी कर रहे हो। कभी मेरे लिए हाँ सही बात है, कभी इसके लिए हाँ सही बात है। वेरी गुड वेरी गुड, दोनों के होना चाहिए, दोनों के होना चाहिए, बराबर है, सही बात है। आज का मीम बन गया भाई हमारा तो, सही बात है, सही बात है, सही बात है, बात तो सही है। क्या एक बात को उल्टा करके बोलोगे तो मतलब तो वही है ना, सही बात है, बात तो सही बात। नहीं देखो, नाक को यहाँ से पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, थोड़ा कष्ट कष्ट तो होता है। तो दोस्तों अभी हम सफाई वगैरह करके नाश्ता करके फ्री हुए हैं, रिलैक्स मूड में बैठे हैं। रिलैक्स नहीं हो गया यहाँ बच्चे को, मुझे अभी कुछ काम करना है, मैं वो काम करने जाऊंगी रिलेटेड टू माई वर्क, माई ड्यूटी। वो कंप्लीट करने के बाद फिर मिलूंगी आपसे। तब तक इसको मस्ती करने देते हैं क्योंकि इसकी पढ़ाई अभी खत्म हुई है। मम्मी भी अब आराम से बैठी हुई है। अभी मैंने नाश्ता किया, पूजा की, पूजा करके तो आई हूँ। हाँ तो सफाई करोगे तो ऐसा ही होगा, देरी होगी पर ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, शाम को जल्दी। हाँ कभी भी कोई भी सीन क्रिएट हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम का टाइम है, पक्षी अपने घरों को लौट रहे हैं, आपको भी आवाज़ें सुन रही होंगी। पर ऐश कहाँ गई? ऐश, अरे ऐश तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या लगता है? मैं उधर देख रही हूँ, कहाँ गई? क्रिकेट प्रैक्टिस कर रही थी। अरे यहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस कर रही थी, आज सफाई करके रही थकी? हाँ छत पे कर रही थी पर आज सफाई करके थकी नहीं। नहीं अच्छा है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं उधर कुछ काम कर रही थी फिर ढूंढने लगी ऐश कहाँ गई।
पहले तो मैं ऊपर आई थी अपनी फ्रेंड से बात करने, उसके बाद क्रिकेट। तो कर ली प्रैक्टिस? पसीना सुखा रही हूँ। जब प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे बुलाती ना, मैं थोड़ा शूट करती, सबको दिखाती। अभी आप काम कर रहे हैं, बुलाती तो फिर आप कहते अभी मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मेरे को लगा आप बिजी हो गए तो मैं इधर प्रैक्टिस कर रही थी। बिजी तो थी मैं, लेकिन आ जाती आप बुलाते तो। वाओ ये क्या कर रही हो? देखो पैरट्स जा रहे हैं ऊपर से, कितनी अच्छी आवाजें आ रही है। अच्छा वो देख नहीं रहे हैं तो तुमको प्रॉब्लम हो रही है। उनका अपना रूटीन है, कितने खुश जा रहे हैं। अब हम भी चले अंदर? आज इधर ही बैठा, नहीं आज नहीं, आज आप इधर ही बैठोगे? नहीं नहीं थोड़ी देर इधर ही बैठने का, ऐसा क्या करोगे यहाँ बैठकर? मस्ती, बैठे बैठे क्या मस्ती कर रहे हो? चलो ना अंदर। नहीं। अब आप क्या कर रहे हो? मैं वॉक करने के लिए सोच रही हूँ। सोच रहे हो? आप चल रहे हो? पंज में? आप? हाँ चल रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता रही थी ना, अपने यहाँ गली में कोई नई फैमिली शिफ्ट कर रही है। हाँ मैं क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? ये मैं चंदन की अगरबत्ती लगा रही हूँ, खुशबू आ रही है। शाम के टाइम घर में खुशबू भी होगी और मच्छर भी चले जाएंगे। चंदन और गुग्गल दोनों है इसमें। और बहुत अच्छा है इस समय की ये सारी जो ओरिजिनल खुशबू। क्या कर रहे हो यार? आहा क्या खुशबू आ रही मस्त। वो अगरबत्ती लगाई जाए, चंदन और गुग्गल की अगरबत्ती। तो फ्रेंड्स सभी आपने देखा मैंने चंदन और गुग्गल वाली अगरबत्ती लगाई, पूरे कमरे में खूब अच्छी सी प्यारी सी सुगंध आ रही है और एक जैसे माहौल होता है ना पवित्रता का, वो महसूस हो जाता है। कुछ खुशबुएं इतनी अच्छी होती है कि वो आपको एक विशेष आयोजन से, विशेष मौके से या कुछ अच्छी यादों से भी जोड़ देती है। अब ये चंदन गुग्गल इस तरह की अगरबत्ती लगाओ तो एक वो मंदिर वाली फीलिंग आती है, आती है ना? हाँ। कभी कभी मैं शाम को लगा देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको भी लगता है ना? ऐसे तो मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, मन अच्छा नहीं हो तो सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारे मुंह में पानी आ गया? नहीं मम्मा खाना बना रही है, उसका छोंक लगा तो। हाँ तो मम्मी ने छोंक लगाया है, उसकी खुशबू भी आ रही है, इसके मुंह में पानी आ गया। क्या बना रही मम्मा? बताओ क्या बना रही? बताओ गे? खिचड़ी। वेरी गुड, इसको कहते हैं पोपट। हाँ खिचड़ी बना रही हूँ मम्मी। देखो खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, बोले पोपट है तो भी सही। तो क्या खिचड़ी भी खानी चाहिए? हाँ वैसे मेरे को अच्छी लगती है। हाँ वेरी गुड, क्या आप खिचड़ी खुशी से खाती हो, ये बात हमको बड़ी सेटिस्फाइड लगती है। चलो कुछ आज मम्मी खिचड़ी बना रही है क्योंकि मैंने भी कहा कि खिचड़ी बना खाने की इच्छा हो रही है। ये सब्जियाँ वगैरह खा के बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का खाया जाए। मैं कौन सी सब्जी खाती हूँ? नहीं तो खाती हूँ। और अब हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, फिर खिचड़ी खाएंगे। नहीं पहले आरती करेंगे भगवान जी की, फिर खिचड़ी खाएंगे। गलत बात है, सिर्फ खाने के लिए थोड़ी। हाँ सिर्फ खाने के लिए थोड़ी है, सही बात है। तो आप खाने के लिए जीते हो क्या, जीने के लिए खाते हो? ये क्या था बताओ, मैंने क्या बोला? फटाफट 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 जल्दी बोलो मैंने क्या बोला, रिपीट रिपीट ना कोई। ठीक है कमेंट में कौन रिपीट करेगा ऐसे कि मैंने अभी क्या बोला था? क्या बोला था? मैं कंफ्यूज हो गई। तो दोस्तों आज मैंने जो भी बोला उसे आप कमेंट में रिपीट करिए और व्लॉग को पूरा देखिए, प्लीज 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 पूरा देखिए। अच्छा और अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि कब डालते हो व्लॉग, हमें पता ही नहीं चलता। हमने चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है तो बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और व्लॉग को पूरा देखें। ये घर का व्लॉग है, आपके अपने घर का, आपके अपने दोस्तों का, तो हमारे साथ ज्वाइन करें। थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ में से हमें दें, खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए, चाय पीते हुए व्लॉग को पूरा देखें। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे और जल्दी हम
कुछ नए चैलेंजेस लाने वाले हैं। आप कहीं के पहले से भी कहा था कुछ लाए तो हो नहीं, टाइम टाइम का फर्क पड़ रहा है कि हमने ये जो हमें टाइम है इसने हमें अंदर बंद कर रखा है, बांध रखा है, लेकिन प्लानिंग है और वो जरूर सक्सेस होगी आपके सहयोग से। तो आप देखते रहिए, सजेशन देते रहिए, मुझे बताइए, ऐश को बताइए कि हम किस पे चैलेंज लाएं, हम क्या करें नया, लेकिन स्ट्रेस एफ वाली चीज़ों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।